इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे से साथ सीधा जुड़ रहे इमरान से जानते कि आज ईडी दफ्तर में अपडेट क्या रहा है और किस दिशा में ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी की जो जांच है वो जाती नजर आ रही है। इमरान, क्या खबर है आज के ईडी कार्यालय से जुड़ी? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से ईडी के द्वारा जो पिछले कुछ दिन से देख रहे थे कि ईडी कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है और ऐसे में ईडी के जो बड़ी कार्रवाई है, एक तरह से कहें तो पूछताछ की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है ईडी कार्यालय में चल रही है। चूंकि ईडी कार्यालय में आज कई लोगों को बुलाया गया था, चूंकि कल भी कई डीएमओ पहुंचे थे, लेकिन उसी के लिंक को आगे बढ़ाते हुए डीटीओ और जो डीएमओ है इनको आज यहाँ पे तलब किया गया, सभी को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया। आधा दर्जन से अधिक जो सरकारी अधिकारी हैं वो ईडी कार्यालय में मौजूद हैं और ईडी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो कई बिल्डर और कई ऐसे व्यवसायी जिनको इस पूरे केस से जोड़ करके देखा जा रहा था, चाहे पल्स डायग्नोसिस सेंटर्स की जमीन को लेकर के बिमल पांडे उर्फ मिट्टू पांडे, जो कि पूर्व में भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आज एक बार फिर सुबह में तकरीबन 12 बजे उसे पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया। ईडी कार्यालय में से वो 3 बजे एक बार निकले ईडी कार्यालय से बाहर, उसके बाद वापस 4 बजे कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचे हैं। साथ ही साथ जो ईडी कार्यालय में सबसे बड़ी बात रही कि प्रेम प्रकाश भी यहां पे मौजूद है। अब प्रेम प्रकाश से लगभग कई घंटों से लगातार पूछताछ हो रही है, अभी शाम के 6 बज गए हैं और ऐसे में 6 घंटे से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है प्रेम प्रकाश के, तो प्रेम प्रकाश के बारे में जानकारी जो बताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उनसे, ईडी के कार्यालय में मौजूद जो पदाधिकारी हैं अलग से सिंगल कमरों में उससे पूछताछ की गई। कई बार ऐसा हुआ कि जब प्रेम प्रकाश से सवाल के जवाब पूछे गए तो वो सवाल के जवाब देने से इनकार करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जो जानकारियां ये भी मिल रही है कि ईडी को अब तक प्रेम प्रकाश की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है पंकज, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, जिस तरह से प्रेम प्रकाश पर दबिशे बढ़ाई है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में प्रेम प्रकाश की मुश्किलें बढ़ सकती है। चूंकि प्रेम प्रकाश के विरुद्ध जो ईडी के पास जो जिस तरह के सबूत है, जिस तरह के साक्ष्य है, उससे साफ प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में प्रेम प्रकाश पर गाज गिर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार प्रेम प्रकाश को छोड़ा हुआ था, लेकिन अब जब लगातार न्यूजीलैंड भारत भी प्रेम प्रकाश के हरेक करतूत को प्रमुखता से दिखा रहा है और जिस तरह से प्रेम प्रकाश को ईडी ने फिर से पुनः तलब किया है, तो साफ तौर से संकेत है कि प्रेम प्रकाश की मुश्किलें बढ़ेंगी। इनके अलावा एक अज्ञात महिला जो कि ईडी कार्यालय पहुंची थी, चूंकि ये बेहद इसलिए खास हो जाती है क्योंकि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बाद कोई दूसरी महिला है जिनको ईडी कार्यालय में पहुंचना पड़ा, ईडी कार्यालय में उसे आना पड़ा और उनसे ईडी के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि वो कौन है, किस लिए यहाँ पे पहुंची, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि अब तक ईडी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी जानकारी जो है वो शेयर नहीं की गई है, इसलिए जो जानकारियां मिल नहीं पाई है कि वो कौन है। लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें और भी आज घटी है, क्योंकि केनरा बैंक के कुछ पदाधिकारी और कुछ बैंक के कर्मी यहाँ पे पहुंचे थे जो कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आए थे। बताया जा रहा है कि ये जो अवैध खनन को लेकर के जो ट्रांजेक्शन किए गए थे, जो पैसे का लेन देन हुआ था और जिन जिन अकाउंट पे डीएमओ और डीटीओ के द्वारा जो पैसे इधर से उधर किए जा रहे थे, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो ईडी ने अपने कार्यालय में मंगवाई हैं और उसी हिसाब से सारे पदाधिकारियों से अलग अलग जगहों पर जो है बैठा करके पूछताछ की जा रही है। चूंकि कई जिले के हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण होता है कि सारे लोगों से बातचीत हो पाना, क्योंकि जिस तरह से कल भी बातचीत हुई थी तो कई अधूरे सवाल थे जिनको तलब किया गया और इसी के आधार पर आज पूछताछ जारी है। तो तकरीबन 6 घंटे से अधिक समय से सारे अधिकारी जो हैं वो ईडी कार्यालय में ही मौजूद हैं और लगातार अलग अलग अधिकारी जो हैं ईडी के सवालों के जवाब जो हैं वो देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में देर रात तक क्या कुछ परिवर्तन होता है, जिस तरह से ईडी के द्वारा जो आज के दिन दबिश बढ़ाई गई, जिसमें कई बिल्डर, व्यवसाय, सरकारी कर्मी और एक महिला जो कि अब भी ईडी कार्यालय में ही मौजूद है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर आज उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक कुछ बड़ी चीज देखने को ईडी के दफ्तर मिल सकती है, क्योंकि आज जमावड़ा बहुत ज्यादा लगा है, बहुत सारे लोगों से एक साथ पूछताछ हो रही है और आज सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी हुई है। शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।